नमस्कार, कैसे हैं आप। देश में अब तक के सबसे बड़े घोटालों में कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयले घोटाला का नाम लिया जाता है। लेकिन अब करेंसी घोटाला ने देश को हिलाकर रख दिया है। क्या अपनी ही सरकार अपने ही देश की पूरी अर्थव्यवस्था को तोड़ सकती है? इस पूरे मामले में एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर का नाम सुर्खियों में है। उसके घर पे CBI की छापेमारी हुई तो पता चला अरविंद मायाराम नामक एक IAS अधिकारी किस तरह से वित्त मंत्रालय में रह करके भारतीय करेंसी के नकली नोटों के खेल का हिस्सेदार बन गया। यह आरोप अरविंद मायाराम पर अब लग रहा है। तो यह चीज सामने आ गई, क्या नोटबंदी इसीलिए की गई क्योंकि भारत में नकली नोटों का जबरदस्त घुसपैठ हो गया था। अब इस मामले ने देश के लोगों को हिलाकर रख दिया है। तो भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री इन तमाम चीजों से खुद को अनजान बता रहे हैं। अरविंद मायाराम के घर पे जब छापेमारी हुई, CBI ने जब FIR दर्ज किया तो यह माहौल बनाया गया कि अरविंद मायाराम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, इसीलिए अगले ही दिन उन पर FIR हो गई। लेकिन अब बात कुछ और सामने आ रही है। महत्वपूर्ण ये कि क्या इस मामले में जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तो भारत सरकार को जानकारी मिल गई। प्रणब मुखर्जी ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी भारत सरकार के तब के गृह मंत्री को दी। तो क्या गृह मंत्री भी उसी चिदंबरम को इसीलिए बनाया गया क्योंकि इस पूरे मामले को वो घालमेल कर दें? खेल बड़ा जबरदस्त है। क्या जिसके ऊपर जांच की जिम्मेदारी था वही असली खिलाड़ी था? उसे सबूत नष्ट करने की जिम्मेदारी दरअसल दी गई थी? जरा बात को गंभीरता से समझिएगा, तब समझ में आएगा कि वो प्रणब मुखर्जी जिसने पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कर दी, वो प्रणब मुखर्जी अपने जीवन के आखिरी क्षणों में RSS के प्रिय दिखाई देने लगे। उस प्रणब मुखर्जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया, उसमें भी भूमिका पूरी पूरी नरेंद्र मोदी की थी। इस पूरे मामले में यदि आप और आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि इस खेल में प्रणब मुखर्जी को परेशान करने की कोशिश वो लोग कर रहे थे जो प्रणब मुखर्जी पर ही सबसे ज्यादा भरोसा जताते थे। जब कांग्रेस पार्टी की मंत्रिमंडल की बैठक होती थी तो उसकी अगुवाई प्रणव दास सीनियरिटी के हिसाब से करते थे, लेकिन उसी प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने के राह में रोड़ा स्वयं सोनिया बनने लगी थी। जब BJP प्रणब मुखर्जी के नाम को आगे बढ़ा रही थी तो सोनिया और ममता उस पर पीछे से धक्का मारती नजर आ रही थी। तब पूरा खेल ये समझ में आएगा कि उस प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न नरेंद्र मोदी की सरकार के दौर में क्यों मिला? क्या यूं ही प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दे दिया गया? भारत रत्न देने का अवसर जब नरेंद्र मोदी की सरकार को मिली तो इस अवसर का फायदा वो अटल जी के साथ प्रणव दा को क्यों देने लगे? संघ इसके लिए सावरकर का नाम चुन सकता था, कई और नेता थे जो जिसको आज अवसर था उनको क्यों भारत रत्न उन्हें दिया जा सकता था? वो चाहते तो कोई पुराने सरसंघ चालक को दे सकते थे, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रणब मुखर्जी को ही क्यों चुना? ये अपने आप में कई सवाल हैं। क्या प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी को वो सब चीज बता दिया जिसके कारण नरेंद्र मोदी की पांव के नीचे की जमीन हिल गई? क्या कुछ ऐसा सामने आना है? ये सामान्य बात नहीं है कि प्रणब दा RSS के मुख्यालय में अतिथि बनकर गए। प्रणब मुखर्जी का RSS मुख्यालय पर कदम रखना ही अपने आप में कई सवाल थे।
लेकिन उसी प्रणब मुखर्जी को भारत सरकार ने भारत रत्न दे दिया। तो क्या प्रणब मुखर्जी वो राजदार थे जो चुपके से मोदी के कान में बहुत कुछ बता गए? यदि प्रणव दा ये बात सार्वजनिक कर देते तो भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाती, तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती। ये सुनकर के रूह कांप जाती है। अब जरा इस बात को समझिए कि अरविंद मायाराम, बैकग्राउंड में भी चले अरविंद मायाराम का नाम सामने आया है कि जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी सोनिया गांधी की अगुवाई में, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह जैसे मौन व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और कहा जाता है कि मनमोहन सिंह बस बिल्कुल रेनकोट पहने हुए थे, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि आप तो बाथरूम में रेनकोट पहने रहते हैं, भीगने का कोई डर ही नहीं रहता है। ऐसे थे मनमोहन सिंह। उस दौर में पी चिदंबरम भारत सरकार के वित्त मंत्री बनाए गए। ईमानदारी का चोला ओढ़े पी चिदंबरम पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे और वो तिहाड़ी हो गए। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि देश का पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृह मंत्री तिहाड़ जेल गया। सीबीआई ईडी ने उसके घर से उसे दबोच कर उस सीबीआई मुख्यालय में ही उससे पूछताछ की जिसका उद्घाटन उन्होंने बतौर गृह मंत्री रहते हुए किया था। चिदंबरम तिहाड़ जेल गए तो तिहाड़ी चिदंबरम कहे जाने लगे। लगा कि क्या सरकार ने उनके साथ बदले के भाव में ऐसा किया, लेकिन यह मामला सामान्य दिख रहा था। ये मामले उस तरह के थे जिसमें उन्होंने अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए एयरसेल मैक्सिस घोटाला किया, ऐसा ऐसा धंधा किया जो अपनी उनकी सीमा के बाहर का था। जेल से लौट कर आए और राजनीति करने लगे, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे, कई सारे खेल करने लगे। तब एक नया खेल उनके दौर का आया कि 2008 में उन्होंने बेलारू एक ब्रिटेन की कंपनी को, जिसके नाम से आपको इटालियन दुर्गंध आना शुरू हो जाएगा, सोनिया गांधी के मैके वाली एक कंपनी को भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी दी गई। जब ये जिम्मेदारी बेलारू कंपनी को मिली तो उसे ईमानदार बताया गया। कहा गया कि ये नोट जो बेलारू कंपनी जिस पेपर का इस्तेमाल करती है उसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, इसमें जो धागों का इस्तेमाल किया जाता है उसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता। लेकिन जब चिदंबरम मंत्रिमंडल से हटे, वित्त मंत्री बना दिया गया प्रणब मुखर्जी को, माना गया कि मंत्रालय में कुछ गड़बड़ हो गया है। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री बने तो इस मामले की जांच की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को जाना था, क्योंकि प्रणव दाव के बारे में जानकारी है कि इस पूरी जानकारी प्रणब मुखर्जी को मिली थी, और चूंकि वो 1984 में ही भारत के वित्त मंत्री थे तो बहुत सारी चीजें उन्हें जानकारी मिली। प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री बनाया गया तो इस मामले की जांच की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय में दी गई। तो क्या गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी जानबूझ करके पी चिदंबरम को दी गई? पी चिदंबरम के सचिव हुआ करते थे अरविंद मायाराम। अरविंद मायाराम का पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड घोर कांग्रेसी बैकग्राउंड रहा। उनके पिता, उनकी मां दोनों कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई रही। राजस्थान सरकार में 50 के दशक में पिता मंत्री रहे और बाद के 70 के दशक में मां। उस अरविंद मायाराम को आज गहलोत सरकार में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस मायाराम पर जब शिकंजा कसा तो पता चला कि ये चिदंबरम के खासम खास थे। इसीलिए पी चिदंबरम ने वित्त मंत्रालय से हटते ही उन्हें मनरेगा में भेज दिया, और फिर जब दोबारा भारत के वित्त मंत्री बने चिदंबरम, तब जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बन गए। खेल समझिए कि 2012 जुलाई में जब प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति चुने गए तो फिर उस चिदंबरम को लीपापोती करने के लिए वित्त मंत्रालय भेज दिया। अब इस खेल की बारीकी और इसकी साजिश को समझने की जरूरत है। चिदंबरम के दौर में वो घोटाला हुआ जिसे करेंसी घोटाला कहते हैं। उसकी दुर्गंध जब, उस साजिश की गंध जब प्रणब मुखर्जी को मिली तो जांच की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई। सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का।
मतलब जिस चिदंबरम के खिलाफ जांच होनी चाहिए थी वो गृह मंत्रालय में चले गए, तो फिर जांच पर पर्दा डल गया, जांच लटका रह गया। और जिस बेलारू कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया उसी को फिर चिदंबरम काल में फिर से नोट छपाई की जिम्मेदारी दी जाने लगी। तब ये समझिए कि जब नोटबंदी 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने की तो सब कुछ ये पता चल गया। यदि सोचिए सरकार से ये बातें लीक हो जाती तो देश की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती। आपके देश में नकली नोट का भरमार है, यदि ये विदेशों को पता चल जाता तो क्या होता। दरअसल कहा जा रहा है कि बेलारू कंपनी ही पाकिस्तान के नोट की छपाई करता था और पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर नकली भारतीय करेंसी भारत में ठेले जा रहे थे। यही कारण है कि जब नोटबंदी हुई तो 30% एक्स्ट्रा पैसा, मतलब रिजर्व बैंक ने जितना छापा था उससे 30% एक्स्ट्रा रुपए रिजर्व बैंक को वापस चले गए, 100 और 1000 के नोट। कल्पना कीजिए, बहुत सारे अवैध लोग, जिन लोगों ने अवैध पैसा रखा हुआ था उसने रुपए नष्ट किए, जलाए, ऐसी खबरें आई। हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने गंगा जी में रुपए फेंक दिए। बहुत सारे लोगों ने आज भी याद के रूप में अपने घरों में वो 500 रुपए रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसी गृहिणियां हैं जिनके घर में वो अनजाने से छूट गए, बाद में वो मिले कहीं कहीं। मध्यम वर्ग की महिलाओं ने छुपा छुपा करके जो पैसे रखे थे उस दौर में मिले ही नहीं, बाद में मिले। इसका मतलब है कि 30% एक्स्ट्रा 500 रुपए पहुंचा तो तय सी बात है कि पैसे बहुत सारे ऐसे थे जो नकली थे, जो आपको पता ही नहीं चला। अब फिर उस बात पर आइए कि प्रणब मुखर्जी ने इस पोल को खोला। जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय की थी, चिदंबरम गृह मंत्रालय में थे, उन्हीं के वित्त मंत्री काल में खेल हुआ। चिदंबरम ने इस पूरे मामले को पर पर्दा डाल दिया उनके, और अब कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं था। इस पूरे खेल में क्या मायाराम, पूरे खेल में मास्टरमाइंड क्या सिर्फ मायाराम है या मायाराम सिर्फ मोहरा है? फिर बात प्रणब मुखर्जी पर आइए। क्या प्रणब आपको सब कुछ पता था और प्रणब मुखर्जी ने ही नरेंद्र मोदी को यह सब कुछ बताया? क्या उन्हें लगा कि मोदी ही भारत की बर्बाद होती अर्थव्यवस्था को संभाल सकते थे? क्या नरेंद्र मोदी कितनी बड़ी लाचारी हो गई कि वो नोटबंदी को विवश हो गए और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें आप 31 दिसंबर तक का अवसर दीजिए, फिर उसके ऊपर आप मेरे ऊपर जितना हमला करना होगा करिए। क्या मोदी को अभी राष्ट्र को बहुत कुछ बताना है उस षड्यंत्र के बारे में? इस नोटबंदी के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम कांग्रेस और उसके दोगले पत्रकारों ने किया कि भारत में देशद्रोह हो जाए, विद्रोह हो जाए। आपको प्रवोक किया गया कि आपको अपने ही पैसे निकालने के लिए बैंकों में लाइन लगाने पड़ते हैं। कमाल की बात है ना। तब ये समझिएगा कि क्या प्रणब मुखर्जी को सब कुछ पता था और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात की जानकारी भारत के प्रधानमंत्री को दी। अब प्रणब मुखर्जी ने बर्बाद होते भारत को बचाया, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपति की जिम्मेदारी दी गई। ये चीजें कांग्रेस को कतई पसंद नहीं था। और क्या प्रणब मुखर्जी का इस नोटबंदी में इतना बड़ा योगदान है कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया? क्या अपने ही देश के लोग, क्या अपनी ही सरकार अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगी हुई थी? अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। लेकिन कई मामले इतने संवेदनशील होते हैं कि उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। इसीलिए भारत सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्रियों को शपथ दिलाने में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिर्फ पद की शपथ दिलाई जाती है, संवैधानिक जिम्मेदारी की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन भारत सरकार के मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। कुछ चीजें गोपनीय रखनी पड़ती है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन ये वक्त आएगा कि ये सच भी सामने आएगा। ये खेल कितना खतरनाक था, तब आपको साफ साफ समझ में आएगा कि जीवन भर कांग्रेस की सेवा करने वाले प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न क्यों दिया गया। उन्हें राष्ट्रपति बनाने में भाजपा की ताकतवर उभरती भाजपा ने क्यों मदद की? प्रणब मुखर्जी क्या यूं ही भारत रत्न हो गए? प्रणब मुखर्जी के प्रति नरेंद्र मोदी का सम्मान क्यों यूं ही था? प्रणब मुखर्जी स्वर्ग सिधार गए, क्या देश को बहुत कुछ दे गए जिसका रहस्य अभी खुलना है? क्या देश के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिश, देश का क्या सबसे बड़ा घोटाला करेंसी घोटाला है जिसके ऊपर से पर्दा हटना है? आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।